जिस महीने में सूर्य संक्रांति ना हो वो महीना अधिमास होता है। और आपको बता दें कि अधिमास 32 महीने 16 दिन और 4 घंटे के अंतराल के बाद आता है। यहाँ तक कि लोक व्यवहार में अधिमास के अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि चैत्रादि 12 महीनों में वरुण, सूर्य, भानु, तपन, चंड, रवि, गभस्ति, आर्यमा, हिरण्यरेता, दिवाकर, मित्र और विष्णु के ये 12 सूर्य होते हैं और अधिक मास इससे बिल्कुल अलग होता है। इस वजह से मलिमलूच मास भी कहलाता है। और इस साल ज्येष्ठ महीने में अधिक मास लग रहा है जो कि 16 मई से लेकर 13 जून तक रहेगा। अधिक मास या यूं कहें कि मलमास में फल पाने की कामना से किए जाने वाले सभी काम करने से मना किया गया है और बिना फल पाने की इच्छा से करने वाले जरूरी सभी कामों को किया जा सकता है, जैसे कुएं, बावली, तालाब और बाग बगीचे और किसी भी प्रयोजन में व्रतों की शुरुआत और नवविवाहिता वधु का प्रवेश, पृथ्वी, हिरण्य और तुला के महादान, सोमयज्ञ और अष्टका श्राद्ध, गौ का यथोचित दान, ये वर्ष ऋतु में सावा से, शरद ऋतु में चावलों से और वसंत ऋतु में जौ से किया जाता है। इस महीने में केवल ईश्वर की कामना से जो व्रत किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है और व्रती के सभी दोष या कष्ट भी खत्म हो जाते हैं। जैसा कि व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने कहा था कि इसका फलदाता, भोक्ता और अधिष्ठाता सब कुछ मैं ही हूँ और इसी वजह से इसका नाम पुरुषोत्तम भी है। इस महीने में दान पुण्य या शरीर शोषण जो भी किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। अगर क्षमता न हो तो ब्राह्मण और साधुओं की सेवा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसे तीर्थ स्थानों में नहाने के बराबर फल मिलता है। आपको बता दें कि पुण्य कामों में खर्चा करने से धन की हानि नहीं होता बल्कि धन में वृद्धि होती है। बेलपत्र से शिव पूजन और काशी में दशाश्वमेध घाट पर स्नान या फिर कोई दूसरी नदी में 10 दिनों तक स्नान, वृद्धि क्रम से गंगा स्रोत का रोज पाठ करना चाहिए। इससे मलमास में दिया हुआ दान और पुण्य कामों को करने से अधिक फल मिलता है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट। ओम।